पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइंस के ग्राउंड सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा के दिशा निर्देशन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा ध्वजारोहण एवं परेड का निरीक्षण तथा मान प्रणाम ग्रहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा अपने संबोधन में सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देकर सभी से देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की अपेक्षा की गई व परेड ग्राउंड एवं कार्यक्रम की पूरी पूरी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में नीर डांस अकेडमी, KLG पब्लिक स्कूल, ACME ग्लोबल स्कूल, श्री दिगंबर जैन इंटर कॉलेज एवं पुलिस लाइन सहारनपुर के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ आने वाले स्कूलों को मोमेंटो प्रदान किए गए तथा समस्त बच्चों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया व समस्त परेड कमांडर्स एवं टोली कमांडर्स को मुख्य अतिथि के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर, DIG अजय कुमार साहनी, DM डॉक्टर दिनेश चंद्र, जिला जज बबीता रानी, जिला SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक, SP देहात सागर जैन, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा के अतिरिक्त जनपद के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। भव्य परेड की कमान सहायक पुलिस अधीक्षक सुधांशु नायक द्वारा की गई। परेड की द्वितीय कमान प्रतिसार निरीक्षक बीरेंद्र बहादुर एवं तृतीय कमान उप निरीक्षक विजय कुमार द्वारा की गई। परेड में पुलिस व PAC के कुल 7 प्लाटून तथा मोटरसाइकिल स्क्वाड, वायरलेस, SOG टीम, एंटी रोमियो टीम, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, डायल 112 के वाहन, वज वाहन, अग्निशमन दस्ता सम्मिलित हुए। परेड का मार्च पास्ट उत्कृष्ट श्रेणी का रहा। इस अवसर पर SSP डॉक्टर विपिन तारा द्वारा संविधान में उल्लिखित संकल्प पढ़ा गया, जिसे उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारी द्वारा दोहराया गया। इस अवसर कई अधिकारी व कर्मचारियों को उत्कृष्ट सराहनीय सेवा के लिए सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। हुए स्टोरी को केसरिया पटके में दूते टोली है, CER की टोली। इस टोली को कमांड कर रहे हैं श्री इंद्र सेन, नागरिक पुलिस। सफेद पटके में सफेद रंग जो कि राष्ट्र की शांति, शुद्धता और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। तृतीय टोली सशस्त्र पुलिस, श्री विकास तोमर उप निरीक्षक। चौथी टोली को कमांड कर रहे हैं श्री पुष्पेंद्र कुमार पीला, पुलिस कार्यालय श्री कृष्ण सांगवान उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। छठी टोली PSE प्लाटून, श्री पाती राम प्लाटून कमांडर। बहुत ही खूबसूरत वेशभूषा में यह प्लाटून
जिसको नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक श्रीमती सुरभि तोमर। इन्होंने लाल पटका धारण किया हुआ है, ऊर्जा का प्रतीक। और उसके बाद हमारा मोटरसाइकिल दल प्रथम कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को परिनिरीक्षण के लिए इस प्रदेश की सेवा करता हूं। आपके द्वारा छात्र जीवन से ही राजनीति में विशेष रुचि रखने के कारण परेड का निरीक्षण। प्रथम कमांडर अपने स्थान पर वापस आते हुए और पहुंचने के उपरांत उनके सम्मान में गणतंत्र दिवस के सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हर्ष हम और उपासना की स्वतंत्रता उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये बच्चों को रोका जाए प्लीज। अभी हमारे कमांडर्स का हौसलावर्धन करने के लिए प्लीज एक बार तालियां जरूर बजाइए। यू के परेड कमांडर सी आशी इंद्र सिंह तालियां बजाकर हौसलावर्धन करते हैं जरूर। उद्घोषक श्रीमती सोनिया राणा आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और मैं आपके माध्यम से सहारनपुर वासियों को और प्रदेश के निवासियों को सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यहां पर सहारनपुर के पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम हुआ है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड वाकई देखने लायक थी। और इस ठंड में जो उत्साह था अपने पुलिस सर्विस में जुड़े हुए लोगों का और बच्चों का वह निश्चित रूप से प्रेरणा भी दे रहा था। और आज के इस पावन पर्व पर मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देना चाह रहा हूँ। मंत्री जी आपने अभी मंच से बोला है कि प्रदेश को अवैध कब्जा मुक्त किया जा रहा है, अपराध मुक्त बनाया जा रहा है, लेकिन आगरा में आप पर भी आरोप लगे हैं कि करोड़ों की जमीन पर अवैध। वो उसका भी आपने सुन लिया होगा कि आरोप गलत थे जी। हर कोई आरोप लगा दिया, अखबार ने छाप दिया, मुझे ऐतराज इस बात का है जी। क्या आपका क्या तथ्यहीन और आधारहीन आरोप थे।